Hey, what's up? Are we live? What's up? I am right on time and what's up? Hi, Vishwa. Hi. Vinod, hi. Kunal, hey. Hey Vivek, what's up, bro? Kunal, hi. Nishita, Darshan, I love you so much. A lot. You are my love and you are my problem. Abhi main kya karu ji? You don't have to do anything. I love you too. And you have all my heart. Nikita, hey Darshan, I just love you. Tera zikr. I'm thankful that you loved Tera Zikr. Srishti, yes, I am quite punctual. You better know. Ritwika D. Ritz, when we love someone unconditionally, giving our everything, still why can't we get that person? As Bollywood movie says, agar koi cheez puri shiddat se chaho to puri kainat use मिलाने में लगा दी. सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर टू दिस इज इफ़ यू लव समबडी तो पहली चीज़ ये होती है यू डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग. सो अगर आप किसी से प्यार करते हैं दैट इज़ योर चॉइस. इट इज़ योर वो आपका डिसीजन है. और रही बात किसी चीज़ मांगने की सो वी ऑल लिव इन होप. हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं जिंदगी से या किसी से. सो वो होप जो है वो होप पे ही पूरी दुनिया कायम है. सो दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स. अगर प्यार कर रहे हैं तो भी हमें ज़िंदगी में कभी भी अगर उम्मीद नहीं रखनी चाहिए किसी चीज़ की. प्यार में इट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. आपको प्यार करते जाना है. एंड रही बात अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो अगर आप पूरी शिद्दत से उसे मांगेंगे तो आपको बिल्कुल मिलेगी. यस दीप्ति, आई एम ऑन टाइम. एंड येस आई एम योर लव गुरु. दिस साउंड सो डिफरेंट बट येस आई एम हियर. आप लोग मुझे कुछ पूछ सकते हैं अबाउट योर लाइफ प्रॉब्लम्स और रिलेशन प्रॉब्लम्स. आई एम नॉट सेइंग आई एम प्रो एट दिस बट आई कैन वी कैन टॉक एक्चुअली. अगर मेरे बात करने से अगर आपको अच्छा फील हो या आपको कुछ मिल जाए. एवरीबॉडी, जितने भी लोग मुझे तेरा जिक्र के लिए विश कर रहे हैं, थैंक यू सो मच. जो वो गाना जितना मेरा है इक्वली आपका है. पंकु शर्मा, आई शुड वेयर स्पेक्स. आई कीप ऑन वेयरिंग यार. मतलब अभी तो फिलहाल आई डोंट वेयर इट. दीपाली, लव यू. आई वॉन्ट टू आस्क दैट हाउ कैन आई एक्सप्रेस माई लव फॉर यू. यू नेवर नोटिस मी. वट कैन आई डू दैट यू नोटिस मी? सी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. आपने लिखा और मैंने आई एम रीडिंग इट राइट नाउ एंड आई एक्सेप्ट योर लव. थैंक यू सो मच. सरीना, थैंक यू. कृष्णराज, हाय. यस ब्रो, आई रिमेम्बर दैट यू मेट मी. थैंक यू एवरीबॉडी. विनू, इज दैट सो? आई एम सो सॉरी. सी, आई एम टॉकिंग टू यू टुडे. श्राबानी बिस्पास, व्हाट इज लव फॉर मी? लव इज द मोस्ट सिंपलेस्ट इमोशन. सबसे प्योर फॉर्म है. और हमारे से प्रॉब्लम ये होता है कि लव में वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग सो मेनी थिंग्स. मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उसको पसंद करती हूँ, वो भी मुझे पसंद करे, ये हो वो हो. इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ लव. आपको कोई इंसान पसंद है एंड आई थिंक किस तरह के प्यार की आप बात कर रहे हैं. सो आई थिंक आई हैव पर्सनली, मैं आई हैव ऑलवेज बीन सराउंडेड बाई लव, वेदर इट इज़ बाई माई मदर और माई फ्रेंड्स और एनी बॉडी. सो इट्स अ वेरी सिंपल इमोशन फॉर मी. सो येस, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर विशिंग मी फॉर तेरा जिक्र.
यस Shishti Gandhi, I love my man, he loves me too, but he is hell jealous from you and I love making him jealous. And yes, so that's so sweet, yeah. That's actually very sweet of you guys. I think that's very sweet. Joy, thank you. Aur jitne log, aap log mujhe question pooch sakte hain, aap mujhe wish kar rahe hain, thank you so much. But agar aapke paas koi question hai, you want to talk to me, Vivek Verma, can you suggest me some love tips, bro? Hey bro, you are a rock star. I don't think you need some tips over love. How can I get the surname Rahul? Batao. Badi lambi process hai. वो सब चेंज करवाने का एक गवर्नमेंट जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी है. सो लेट्स नॉट फॉल इन दैट. अरे यू गाइज लव माई सरनेम, यू कैन हैव इट. Bharvi Sudhar, how can I convince my parents about the career I want to opt for? They are against my dream career. I don't know why. Please give me advice. See what happened with me actually, Bharvi. My parents also wanted me to do engineering, and my father wanted me to. मुझे वो चाहते थे कि मैं IAS के लिए prepare करूँ और IAS officer बनूँ. हालांकि मुझे उसमें interest उतना नहीं था. I was always into music. So अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, सो वॉट आई डिड वॉज इट टुक लॉट ऑफ करेज एंड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू गो टू माई पेरेंट्स एंड टेल देम के सी आई वॉन्ट टू डू दिस, और अगर मैं ये नहीं करूँगा तो अगर सब कुछ भी मुझे मिल जाएगा लाइफ में, आई वॉन्ट बी हैप्पी. एंड इफ आई डू वॉट आई वॉन्ट, अगर मैं जो मेरी लाइफ में करना चाहता हूँ अगर वो मैं करूँगा, तो 5 years later, 7, 10 years later, इवन इफ आई फेल, आई वोंट ब्लेम एनीबॉडी. आई विल बी हैप्पी कि मैंने कोशिश की और मेरे से नहीं हुआ. सो आई विल टेक ऑल द ब्लेम ऑन मी, बट आई वॉन्ट टू बी हैप्पी. सो आई थिंक पहले इवन माई फैमिली वॉज अगेंस्ट म्यूजिक. तो एज मैं इंटरव्यूज में हमेशा कहता रहता हूँ कि मेरे जो फैमिली में भी मुझे यही कहा जाता था कि ये म्यूजिक से घर नहीं चलता. पर आई वॉन्टेड टू डू इट एंड आई वॉन्टेड टू डू म्यूजिक. मतलब एंटायर मेरी पूरी जिंदगी में आई वॉन्टेड टू डू म्यूजिक माई एंटायर लाइफ. So yes, it took courage to go and tell them, explain them. Lot of problems came in, हमारे महीनों तक issues चलते रहे, but last में वो समझ ही गए. So I think you can try this, tell them how much you love your career, what you want to do, and I think they will accept it. Nitisha Tele, my problem is I lost my mom a few months ago and I'm missing her lot. All I can say, Nishad, this, it's a loss that's a permanent loss, and all you can do is be happy now, because she's up there watching you. So if you be sad, she's going to be sad, and if you be happy, if you work, if you focus, if you make friends, she's going to be happy. So मेक श्योर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप जो भी करेंगे, आपके मॉम ऊपर से आपको हमेशा, शी इज़ गोइंग टू वॉच यू. सो डू ऑल द थिंग्स दैट शी वुड हैव लव्ड टू सी इन यू, एंड दैट्स वॉट आई कैन से. बट द पेन इनसाइड इज नेवर गोइंग टू गो. इट्स अ पेन दैट यू हैव टू टेक इट. यू हैव टू लर्न टू लिव विद दैट पेन. बट always remember, don't be sad, because she is definitely watching you, and if you do good things in your life, she is going to be happy. Main Kochi Bihar bhi I'll come. Why love is so complicated, Shushmita Das? I mean, it's not our choice to love someone, because our crazy heart falls for someone jo like hamara kabhi nahi ho sakta. aisa kyun hota hai. I don't know, yaar, but as I said, loving, that is
दैट इज हमारी चॉइस है किसी को प्यार करना. सो इट्स आर राइट टू लव समबडी. तो उसमें अप्स एंड डाउन्स, यू नो, हार जीत ये सब तो रहता है, बट योर इमोशन ऑफ लव या योर लव टुवर्ड्स दैट पर्सन इज नॉट रॉन्ग. इट्स अमेजिंग. सो इट शुड ऑलवेज बी लाइक दैट. तंजिला तलुडकर, इज इट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्रेस योर लव टुवर्ड्स अदर्स? इफ यू फील सो, इफ यू रियली फील लव फॉर समबडी, यू इट्स गुड इफ यू एक्सप्रेस दैट पर्सन. ये कैसा है कि आप आपने अच्छे नए कपड़े पहने हैं एंड आप गोइंग आउट एंड इफ समबडी कम्स टू एंड गिव्स यू कॉम्प्लीमेंट, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, सो दैट विल रियली, इट विल मेक यू हैप्पी. दैट्स एज सिंपल एज दैट. यशिका कर बंदास, इफ यू लव मी आई एम सो हैप्पी एंड यू कैन राइट इट हियर, इट विल कम टू मी. दिव्या गुप्ता, दर्शन, माई प्रॉब्लम इज आई एम इन कॉलेज एंड आई लव वन पर्सन फ्रॉम क्लास 7th. ही नो अबाउट इट, शुड आई वेट फॉर हिम? यू शुड टॉक टू हिम, यू शुड टेल हिम वॉट यू फील फॉर हिम एंड if he feels the same, you should you guys should really go together, you should see each other and spend some good time, but you'll have to talk to him and unse hi aapko you'll have to talk, and I think if he'll understand and if he will be have, if he also has feelings for you, I think he'll definitely will come to you. दर्शन, आई हैव अ क्वेश्चन. ईशानी सिन्हा इज आस्किंग, अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हो और अगर उसका कोई फ्रेंड हम दोनों के बीच में मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है तो मैं क्या करूँ, प्लीज़ आंसर. तो सबसे पहले तो द बेस्ट थिंग, आप और आपका या जो आपकी फ्रेंड है उसके साथ आई थिंक बात करें, क्योंकि आप दोनों का रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए. कोई और थर्ड पर्सन मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी करे, दैट मीन्स देयर समथिंग, आप दोनों के बीच में देयर सम ट्रस्ट इश्यूज. फॉर एग्जांपल, इफ मेरा कोई दोस्त है और अगर कोई थर्ड पर्सन मुझे आके कहता है कि योर मेरा दोस्त मेरे बारे में ये कह रहा है और आई एम सेइंग थिंग्स अबाउट हिम टू समबडी एल्स, तो मेरा दोस्त भी ये नहीं मानेगा और मैं भी नहीं मानूंगा. सो बिकॉज दैट्स हमारा बॉन्ड स्ट्रांग है. सोमादीप समादर, हेलो सर, मेरी गर्लफ्रेंड हर वक्त अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, ऐसे कैसे हैंडल करूं और उसे समझाऊं कि ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है. सी आई नो ये चीज़ मैंने आई हैव हर्ड लॉट ऑफ टाइम्स के, बट आई थिंक ब्रो यू रियली नीड टू सिट एंड टेल हर दैट इट वॉज समथिंग विच इज़ नॉट देयर. एंड हमारे लाइफ का ये रूल है कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, हमें आगे बढ़ना है. सो कुछ अच्छी चीज़ें हो या बुरी चीज़ें हो, वो हमें हमेशा पीछे छोड़नी पड़ती है. सो टेल हर, एक्सप्लेन हर, अगर आप दोनों साथ में रहना चाहते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू हैव टू टेल हर दैट यू डोंट रियली लाइक दिस एंड आई थिंक शी विल अंडरस्टैंड. आई थिंक ये हो सकता है कि काफ़ी वक्त आपकी गर्लफ्रेंड ने उस इंसान के साथ गुजारा हो, तो वो सारे थॉट प्रोसेस में से बाहर आना, आई थिंक इट माइट टेक टाइम फॉर हर ऑल्सो. सो गिव हर अ लिटल स्पेस, बट टेल हर दैट यू डोंट लाइक एंड यू विल, आप पसंद करेंगे अगर इफ़ यू गाइज मेक न्यू मेमोरीज एंड इफ़ यू टू गाइज मेक समथिंग ब्यूटिफुल ऑफ योर्स. साक्षी, मैं बताता आपको बिल्कुल नए गाने के बारे में, पर अभी फिलहाल तेरा जिक्र बाहर है और अभी मैं आप सबके साथ प्यार की कुछ बातें करूंगा. गुरुजी, इज इट ओके टू लव समवन अनकंडीशनली फॉर 4 years? यार देखो, प्यार की तो पहले है ना कोई लिमिट नहीं होती, 4 साल, 2 साल, 1 साल, 50 साल, इट्स देयर इज नो लिमिट ऑफ ईयर्स इन प्यार. तो इट्स ओके, नहीं वो प्यार तो हमेशा रहना चाहिए. सॉरी गाइज, मैं हर एक का पर्सनली आई एम रिप्लाइंग, सो बहुत सारे कमेंट्स हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर कुछ मिस हो जाए या थोड़ी लेट मैं रिप्लाई दूँ.
सर मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ पर वो मुझसे बात ही नहीं करती, क्या उसको पता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ, ये रीज़न है उसका, बता दीजिए अकॉर्डिंग टू यू। अरे इसका हर्ष बड़ा सिंपल सा है, अगर उसको पता है कि तुम लाइक करते हो और बात नहीं करती, दैट मीन्स शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड और शी डजंट लाइक यू और शी एनीथिंग कैन बी, देयर कैन बी मिलियन रीजंस। तो उसका आप अगर आंसर आपको मिलता है कि आप उसे पसंद कर रहे हैं इसलिए वो बात नहीं कर रही, यू कैन टॉक टू इट। अगर नहीं, इफ शी इज स्टिल इग्नोरिंग, तो फिर ब्रो यू हैव अ लॉन्ग ब्यूटिफुल लाइफ एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड समबडी जो आपको इक्वली पसंद करेगा, सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। एंड आई थिंक रिलेशनशिप विल बी मोर ब्यूटिफुल अगर दोनों तरफ से बहुत सारा प्यार हो। Sarani Maiti, I loved someone who left me and suddenly he came back and want to be with me. When I was hurt, he was not there and now he want me to go in relationship. Relationship is fake to me now and I reject him. Am I right? Sarani, you are completely right. I think iske liye to simply ek baar agar aap tera zikr dekh lenge na to iska sara answer aapko mil jayega. मैं मेरी पर्सनल लाइफ में हमेशा ये मानता हूँ कि देखो अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ रह सकता है, इट्स द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग टू डू इन लाइफ, बट बुरे वक्त में आपके साथ जो रहता है वो दैट इज द, तो बुरा वक्त मैं मानता हूँ कि बुरा वक्त सबसे खूबसूरत इसलिए होता है क्योंकि आपको रियलिटी बताता है बुरा वक्त, इट शोज यू कि कौन आपके लिए खड़ा रहता है, हु इज देयर ऑलवेज फॉर यू एंड कौन सही है, हु इज फेकिंग है, जो गलत है कौन है। What kind of feeling you have while recording to such romantic songs? What kind of feelings you get when you hear my voice in such kind of romantic songs? That's the question now. If someone loves me but in return मेरे को लड़की की दोस्त भी पसंद करती है तो क्या करूँ? अब भाई ये तो तुम बड़ा कॉमेडी सवाल पूछ रहे हो, आपको कौन पसंद है और आपको कौन पसंद कर रहा है वही मैटर करता है, उसके दोस्त पसंद ऐसा तो यार आपको लगेगा हर कोई मुझे पसंद कर रहा था, आप यू कैन नॉट बी इन रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी, है ना। सो काम योरसेल्फ डाउन, एक ही इंसान के साथ आपको रहना है, सो वो सोच लो आप। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं कुछ प्रो नहीं हूँ, मैं मेरे एक्सपीरियंसेस से या मैंने जो सुना है देखा है समझा है उससे मैं आई विल टॉक टू यू एंड आई होप, आई डोंट नो अगर वो चीज़ आपको मदद करे। संप्रीति बागची, थैंक यू, बंगाली वर्जन ऑफ तेरा जिक्र, आई थिंक इट्स रिलीजिंग ऑन 24th और समथिंग, आई लेट यू नो। अंकिता सिन्हा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, डू वेरी वेल ओके, और अगर अच्छी जाए एग्जाम्स तो मुझे मैसेज करना। सी दिस इज वेरी क्यूट। कोयल अग्रवाल, माय बॉयफ्रेंड लुक्स लाइक यू सो यू आर माय फेवरेट एंड आई लव यू, दैट्स स्वीट। के मानसी, हे दर्शन जी, सिंह, आई हैव अ प्रॉब्लम दैट मेरी लाइफ में पहले ही ऐसा इंसिडेंट हो गया था, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी बट बिकॉज ऑफ दैट नाउ आई कांट ट्रस्ट एनीवन, हाउ टू ओवर इट, इट्स अ फालतू आई नो। अरे बिल्कुल कुछ फालतू नहीं है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इन लाइफ, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, जब बुरी चीज़ होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस और हम थोड़े से टूट जाते हैं, डर जाते हैं, बट वी ऑलवेज हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आपको हमेशा ये याद रखना है कि वो इंसान हमेशा सक्सेसफुल होता है जो हु गेट्स बैक, हु कम्स बैक, हु फाइट्स बैक। तो अगर ये जो आपके डर हैं वो यू हैव टू फाइट बैक, आपको रीगेन करना है। और ऐसा तो नहीं है कि हमेशा, कभी इंसान गलत निकलते हैं, कभी सिचुएशंस गलत होती हैं, पर उससे डर के आप वो डर को आपके ऊपर हावी मत होने दो, यू हैव टू विन योर फियर्स। खुशबू वलानी, माय एक्स हैड ब्लॉक्ड मी एंड आफ्टर अ ब्रेकअप ही हैज अनब्लॉक्ड मी एंड ही हैज स्टार्टेड टॉकिंग टू मी बट अ रीजन फॉर ब्रेकअप वाज ही वाज डबल डेटिंग। सिंपल सा आंसर यार, फाइंड अ पर्सन हु विल जस्ट लव यू
सिंपल खत्म। डबल डेट तो समझ के आ रहे हैं। व्हाई पीपल लीव यू व्हेन यू लव देम द मोस्ट। लविंग कैन हर्ट, दैट्स द थिंग। हीरो ज्योति साइका, यस डेफिनेटली लविंग कैन हर्ट। यू गाइज आर ऑल मैच्योर। आप सारे क्वेश्चन खतरनाक पूछ रहे हैं एंड आई एम हैप्पी। आई डोंट नो इफ इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू, बट आई एम ऑल्सो हैप्पी टॉकिंग टू यू। रितिका, माई सेलिब्रिटी क्रश, आई लव समंता प्रभु। मारिया हुसैन, सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है एक्सप्रेस करना योर फीलिंग्स। आई एक्सेप्ट दिस बिकॉज आपको शायद डर होता होगा कि वो इंसान शायद ये सुन के हमेशा के लिए दूर ना चला जाए। सो आई थिंक दैट कैन बी वन थिंग। और वैसे भी है ना, देखो किसी को गाली देना है ना बहुत इजी है लाइफ में। जाके पकड़ के किसी को मारना या झापट दे देना या कुछ भी करना, दैट्स द मोस्ट इजीएस्ट थिंग्स टू डू इन लाइफ। बट किसी को जाके ये कहना कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ या मुझे तुमसे बहुत प्यार है, इट टेक्स guts bro, really takes guts. Meenakshi, see your question is very different. Just want to ask that how to keep love simple. Everyone always complicate things and blame love. That is love complicated. यार लव बड़ा बेसिक होता है। हम मैं ये एक्सप्लेन इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूँ मुझे नहीं पता, बट आई कैन गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है ये कि आर लव फॉर आर पेरेंट्स और या माँ बाप का प्यार जो उनके बच्चों के लिए होता है वो कितना बेसिक है, वो आप सोचिए। इट्स सो सिंपल, देर आर नो कॉम्प्लिकेशंस। सो इट्स अगर इफ यू कंपेयर दैट, इट इज एज सिंपल। और जो हमारे सपोर्ट में होते हैं और जो चीज़ हमको सपोर्ट करती है, जब व्हेन वी फॉल, तो ये टेंडेंसी होती है कि वी स्टार्ट ब्लेमिंग थिंग्स। जब हम हमारे ऊपर नहीं ले पाते, वी स्टार्ट ब्लेमिंग थिंग्स। सो या दैट कैन बी द थिंग। सलोनी, हूँ गुजराती छू अने हूँ क्यूट गुजराती बात करूँ छू तो मैंने नहीं खबर, पर गुजराती मारी बेसिक लैंग्वेज है एने। એટલે અમારા ઘરમાં અમે લોકો વિચારીએ ગુજરાતીમાં એને, જેમ પેલા બહારના લોકો કેવું હોય વિચારતા હશે ઇંગ્લિશમાં અને બોલે બી ઇંગ્લિશમાં, એવી રીતે હું વિચારું છું ઇંગ્લિશમાં અને પછી સામેવાળા, સોરી ઇંગ્લિશમાં નહીં, હું વિચારું છું ગુજરાતીમાં અને સામેવાળાને જે ભાષામાં ખબર પડે એમાં બોલું છું. એન્ડ બહુ બધા એવા લોકો હશે જેમને આ હું શું બોલ્યો ખબર નહીં પડી હોય. સો બેક ટુ ધ લેંગ્વેજ હિન્દી. Thank you everybody. Rahul Patel ne mujhe yahan pe text kiya hai. I have started my YouTube channel Rahul Patel, please support me guys, please support Rahul Patel. He has started your YouTube channel. I hope you are doing some interesting content aur aap karte rahiye. यार रिधिमा, ये बड़ा ये मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है. अगर आपका बॉयफ्रेंड मेरे से जेलस है तो उसे आई कैन टॉक टू हिम. रिधिमा गुप्ता का जो भी बॉयफ्रेंड है, ब्रो डोंट बी जेलस, वी कैन बी फ्रेंड्स, गिव मी हाई फाइव. जेनी मैक्वान, हे दर्शन, आई एम इन लव विद समवन हु इज नॉट ऑफ माय कास्ट, सो हाउ कैन आई कन्विंस माय पेरेंट्स फॉर मैरिज, प्लीज टेल मी. जेनी, ये तो हमारा जो इंडिया का जो एक तो दिस जो रीति रिवाज हैं बड़े स्ट्रांग है. सो द मोस्ट बेसिक थिंग फर्स्ट यू कैन डू इज गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स. उनको बताइए कि सी यू हैव टू स्पेंड योर एंटायर लाइफ विद अ पर्सन, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सबसे पहले कि आप यू आर गोइंग टू स्पेंड योर एंटायर लाइफ विद अ पर्सन. सो इट आपको वो इंसान बहुत अच्छा लगना चाहिए. आप किसी भी रैंडम इंसान के साथ करें एंड इफ़ यू अगर आपको वो अच्छा ना लगे या समथिंग डोंट वर्क आउट बिटवीन यू, देन थिंग्स आर गोइंग टू गो रॉन्ग. सो फॉर यू, यू शुड रियली गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स, एक्सप्लेन देम. आई नो दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड, बट टेल देम. पीपल जो आसपास के लोग जो
उल्टा सीधा बोलेंगे, वो 5-6 दिन बोलेंगे, है ना. बट यू हैव टू स्पेंड योर एंटायर लाइफ. द लाइफ स्पैन इज ऑफ 70 or 80 or 100, जितना भी हम जिए, इट्स अ ह्यूज लाइफ. सो कौन हमारी जिंदगी में पूरी जिंदगी के लिए रहेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ट्राई एंड ट्राई एक्सप्लेनिंग देम दैट हाउ मच दैट पर्सन मीन्स टू यू. एंड आई थिंक ही शुड ऑल्सो कम एंड योर पेरेंट्स शुड मीट हिम. अगर आई थिंक इफ इज अ गुड पर्सन, योर पेरेंट्स विल ऑल्सो लाइक हिम और उनको ट्रस्ट आएगा, बिकॉज योर पेरेंट्स वुड वो भी परेशान रहेंगे, दे विल बी ऑल्सो वरिड. सो आपको दोनों साइड संभालना है. हाउ टू नो दैट द गाय आई एम विथ इज द राइट वन फॉर मी. यार ये तो पता चल जाता है यार, आई डोंट नो, बट देर आर फ्यू थिंग्स दो इंसानों के बीच में जो कही नहीं जाती बट फील होती है. सो आई थिंक दैट इज what to do if parents are not support what I want to do and they are not interested, even want to know what I want to do. भाई देखो, आप जिस हिसाब से लिख रहे हो कि आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे और इंटरेस्टेड भी नहीं है आप क्या कर रहे, तो ये दो अलग चीज हो गई. अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है देन यू हैव ऑल द फ्रीडम टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू. और अगर सपोर्ट नहीं कर रहे दैट मीन्स दे आर टेलिंग यू कि भाई ये गलत है या आप ये करो, दैट मीन्स वो इंटरेस्ट तो ले रहे हैं. तो ये दो अलग स्टेटमेंट है जो मुझे समझ नहीं आए. बट इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन लाइफ, गो फॉर इट. पूरे फिर कुछ वो बाकी मत रखना जहाँ ये हो कि थोड़ी और मेहनत करनी थी. अगर आप जितने भी लोग कुछ करना चाहते हैं लाइफ में और अगर आपके पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर आप प्रूव करें कि आप सही हैं और उसके लिए पूरी मेहनत करें. एंड नॉट इन एंगर और टू प्रूव देम रॉन्ग दैट दे वर रॉन्ग, बट टू प्रूव देम दैट यू कैन टेक डिसीजंस इन लाइफ बाई योर ओन. और वो उस अगर ये अगर आप कर लेंगे तो उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा. आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड आफ्टर कन्फेस माई लव फॉर हिम. नाउ आई एम हार्ट ब्रोकन एंड आई हैव नो बेस्ट फ्रेंड टू शेयर इट विथ. यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए. बेस्ट फ्रेंड इज अ डिफरेंट थिंग ओनली. बेस्ट फ्रेंड्स कैसे, दोस्ती कैसे टूट सकती है किसी के साथ? होता है, आई नो इट हैपेंस, बट आई डोंट अंडरस्टैंड. ठीक है, इफ उस इंसान को अगर आपकी कदर नहीं और आपकी ज़रूरत नहीं, तो फिर आप वक्त ज़ाया ना करें. एंड यू विल डेफिनेटली गेट समबडी, यू विल फाइंड समबडी हु इज़ गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर लव टू. How to find passion, sir, like you was knowing yours, but how should we? I am doing engineering, but I'm not happy with this career. Bro, yaar, try and keep doing things. Like, aap koshish karo kuch karne ki, alag-alag cheeze karne ki, aur aap dekho kaun si cheez aapko happy kar rahi hai, which is the thing jo aapko karke aisa lag raha hai ki यार आई थिंक मैं इसको बेटर करूँ या मैं इसमें ज़्यादा वक्त दूँ. एंड ट्राई एक्सप्लोरिंग थिंग्स. और वो ये पैशन भी है ना काम के लिए, वो ऐसे ही प्यार की तरह ही है. इट्स लाइक लविंग अ पर्सन. समटाइम्स आपसे गलती हो जाती है, बट देन यू फाइंड समबडी जिसको आप पूरा प्यार कर सकते हैं. काम का भी वैसा ही है, करियर इज ऑल्सो समथिंग लाइक दिस. Same with me. My father also wanted me to do IAS, but I'm doing fashion designing. Okay, that's cool. That's good enough. Agar aap successful, see, failed IAS officer ya successful fashion designer, you decide. Okay, guys, I think this love guru thing is going to end here now. I hope parents jo career choose karte hain unki khushi mein hame wo choose karna chahiye ya jisse hame khushi milti hai wo. Dekho yaar,
इट्स योर लाइफ, और अगर आपको अगर लाइफ में लगे कि यार मैं यहाँ पे कन्फ्यूज्ड हूँ, मैं क्या करूँ, देन यू शुड रियली गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स कि व्हाट शुड आई डू, आप लोग मुझे सजेस्ट करो, तो वो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, टेल यू. बट ऐसे अगर व्हाट दे वांट यू टू डू, तो फिर अगर आपको इफ़ यू लाइक इट, नथिंग लाइक दैट, नथिंग बेटर देन दैट. पर अगर आपको नहीं पसंद, देन इट्स अ प्रॉब्लम. एंड व्हाट टू डू व्हेन यू गॉट चीटेड एंड आफ्टर दैट इफ द सेम पर्सन वांट्स टू कम इनटू योर लाइफ. द स्माइल सेज द आंसर. कम ऑन यार. ठीक है, आई विल कम टू उत्तराखंड एंड ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर द डे. एंड दैट वॉज दर्शन रावल फॉर यू एज द लव गुरु. एंड आई होप मैंने आप सबको बोर ना किया हो, और मैंने जो भी चीजें कही हैं जितने लोगों को, अगर जितने लोगों से बात नहीं कर पाए उनकी भी प्रॉब्लम अगर ऐसी कुछ है, तो मैंने आई हैव ऑलरेडी सेड लॉट ऑफ थिंग्स. आई होप कि वो सब आपको मदद करे कहीं ना कहीं. एंड आई एम ऑलवेज हियर, और ऐसे ही मैं कभी ना कभी आता रहूँगा लव गुरु बन के आप सबके लिए. एंड आई विल टॉक टू यू गाइस, अगर कुछ है तो यू कैन ऑलवेज शेयर, बिकॉज आई थिंक बोलने के लिए हम ये कैप्शंस पर लिख देते हैं फैंस, बट आई कंसिडर यू गाइज एज माई फैमिली. And you guys have always been there for me. So I want to be there for you. So guys, thank you so much. It was so beautiful to talk to you guys. And ye hum karte rahenge because I have enjoyed. Agar aap sab ek love guru wala session phir se chahte hain, to aap sabko comment karna padega, likhna padega, mujhe tak pahunchana padega. Because I don't know aap sabko kaisa laga. So keep telling me what do you want from me. I am always going to be there. And thank you so much. And once again, thank you so much, Sony Music, E Positive, and everybody for loving Tera's Zikr, and Sony Music for giving me ideas what should I do and how should I talk to you, and everything. Yeah, thank you so much. God bless and khush rahiye aur apna khyal rakhiye. Take care. Spread love.